अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो है हम रपुंजल की स्टोरी का पार्ट टू देखेंगे। आपको याद होगा कि रपुंजल को लेने के लिए आती है विच, वो उसको लेके चली जाती है। उसकी मामा परेशान होती है, वो बहुत रो रही होती है, अपनी बेटी को याद कर रही होती है। फिर जो है वो रपुंजल पहुंच जाती है विच के घर पे, और वहां पे विच उसको ले गई। रपुंजल छोटी सी होती है, वो रो रही होती है, उसके आंसू गिर रहे होते हैं, वो अपनी मामा को याद कर रही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रपुंजल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और प्यारी हो जाती है। वो जो है वहीं पे विच के घर में घूमती रहती है, और कभी अकेली होती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी खाना पकाती है। वहाँ पे तन तन्हा होती, कोई नहीं होता उसका। कभी कभी ख्वाब देखती है तो उसमें खुद को प्रिंसेस देखती है, कभी क्या करती है तो कभी क्या करती है। उसको समझ में नहीं आता है वो वहाँ पे अकेली क्यों है। और फिर वो देखती है कि हर साल एक दफ़ा जो है आसमान पे इतनी सारी लैंप्स होती हैं, वो जो उसके मामा बाबा होते हैं ना, किंग और क्वीन, वो आसमान पे लैंप छोड़ते हैं। तो वो जब जोर छोड़ते हैं तो रपुंजल देखती है अपनी विंडो से उन लैंप्स को आसमान पे, एक नहीं दो नहीं कितनी ढेर सारी लैंप्स होती हैं। वो उनको देखती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और अब हम देखेंगे बाकी आगे स्टोरी कल इंशाल्लाह। Thank you.